हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए जो इस बार शिकागो का शो रहा है उसके बारे में आपको रिव्यू देने के लिए आ गई हूं। एक तो यह है कि शिकागो का शो जो है वो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर पूरा सूर बरकरार है और इतना बेहतरीन शो रहा है कि मस्ती हो रही थी, झूम रहे थे सब लोग, आपस में बातचीत कर रहे थे लाइव के दौरान भी जब सूरज जी लाइव कर रहे थे। इट वाज सच अ फन टू वॉच ऑल दीज न्यू टैलेंट। एक एक में एक एक खूबी है और आप उनको नजरअंदाज ना कीजिए। बहुत सुंदर ये लोग कलाकार के तौर पर उभर कर आए हैं। सो सबसे पहले तो मैं साइली को बोलना चाहूंगी, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत एकदम सीधी आवाज आपके दिल पर आकर ठहर जाए ऐसी आवाज है। और मुझे खास तौर पर से उनका गुजराती सॉन्ग जो उन्होंने गाए थे और जो लोग झूम रहे थे वो देखकर आई रियली एंजॉयड। देन मराठी सॉन्ग जो आया हाथ नका लाऊ माझा साडीला वॉज जस्ट टू गुड। कुछ अलग अट्रैक्शन था इस बार के गाने में विच वॉज गुड। देन खतुआ मेरा फेवरेट गाना है जो उन्होंने आज गाया था, और हरे रामा हरे कृष्णा देन लैला लैला, ये वाले गाने जो मेडले में एक साथ उनके चलते रहते हैं वो तो सर्टनली यू एंजॉय। फिर आई अरुणिता। अरुणिता का आज स्वरूप कुछ अलग था, थोड़ा से वेस्टर्न टाइप्स ड्रेस पहनकर आई थी विच वॉज अ न्यू थिंग, उनके अपियरेंस के लिए कुछ नया था। सो ऑलवेज वेलकम वॉट एवर शी इज डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन होते रहना चाहिए तभी तो न्यूनेस होती है। और न्यूनेस की जब बात आती है तो अरुणिता ने इतने नए गाने गाए हैं जिसे देखकर दिल बाग बाग हो गया। ओके मेरी सांसों में बसा है अलका जी का ये गाना है और बहुत सुंदर तरीके से निभाया। ऊर्जा काले कांवा ये वाला गाना डिफिकल्ट गाना मुझे लगता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सॉन्ग्स, वो भी बड़े सुंदर तरीके से निभाया है। और फिर एक बंगाली गाना गाया और सर्टनली मैं वो शब्द नहीं पकड़ पा रही थी, अगर आप समझते हैं और जानते हैं तो प्लीज मुझे लिखकर बताइए, लेकिन वो बहुत सुंदर गाना था। कुछ समय से सब लोग चाह रहे थे कि एक बंगाली गाना तो होना चाहिए। आई मीन सर्टनली मेरी भी इच्छा थी कि इतनी मीठी लैंग्वेज है तो उसमें एक गाना तो बिल्कुल होना चाहिए। फिर वो जब गा रही थी तो मैं आई वॉजंट एबल टू कैच द वर्ड्स, पर किसी ने नीचे लिख कर रखा कि ये बंगाली गाना है, ऐसे चलिए भाई। अरुणिता वॉज कम्प्लीटली जैसे बोलते ना स्टेज पर आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और जब मैं ये लाइन बोल रही तो मुझे एकदम से अनु मलिक जी की आवाज कान में गूंज रही, दिमाग में चल रही है। उसके बाद अरुणिता साइली का घर मोरे परदेसिया, आई लाइक इन दोनों की आवाज का एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट एक बैक स्टेज का भी कुछ एक वीडियो आया है, उसमें भी दोनों ने इतना अच्छा गाया है कि ऐसा लगता है कि और इनके डुएट्स आने चाहिए यार, वी वॉन्ट टू एंजॉय मोर ऑफ दिस जोड़ी। फिर आए पवनदीप। पवनदीप वॉज ऑन कंप्लीट टोटल डिफरेंट जोन टूडे। पवन अरुणिता एकदम पता नहीं किसी और विश्व में जाकर गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था आज तो बहुत टू गुड। सानू एक पल चैन ना आवे या फिर सांवरे तुम बिन जिया जाना, ये क्लासिकल है फिर भी मजा आ रहा था। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे आ जाए हवाओं पर, नए सॉन्ग्स भी इंक्लूड किए, पुराने सॉन्ग्स भी थे, लेकिन जब भी इनके सॉन्ग सुनो हर बार लगता है कि कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ नया प्रेजेंटेशन है सेम सॉन्ग्स का। वो मैजिक कैसे होता है वो मैं इन दोनों से पूछती हूँ, मुझे तो नहीं मालूम है, लेट्स सी जब भी मिलना होता है। उसके बाद लंबी जुदाई लगन लगी एंड रोहित और पवन का ओ हम दम वॉज टू गुड। ये दोनों की जोड़ी थी मैं और सुनना चाहूंगी। तो रोहित अगर आप देख रहे हैं तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और आई एम श्योर कई और भी फैंस हैं जो चाहते होंगे ऐसा। आप दोनों का और अरुणिता और साइली के कुछ और भी गाने इंक्लूड करेंगे तो मजा आ जाएगा, लेट्स सी जब भी होता है। और फिर पवन ने तेरी मिट्टी ये वाला गाना गाया और ऐसा लगता है ये गाना सुन के आप में ऐसे अंदर खींचे चले जाते हैं पवनदीप की परफॉर्मेंस में, और फिर ऐसा लगता है यार ये लास्ट गाना क्यों है। आई विश ऐसी फीलिंग नहीं आए, मतलब पता है इन लोगों के साथ कैसा लगता है, आप जैसे किसी बच्चे को देखते हैं ना ग्रेड वन से टू पे जाता है, टू से थ्री में जाता है, तो जब ग्रेड वन फिनिश होता है तो आपको लगता है ये सारे दोस्त छूट जाएंगे, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये अभी ग्रेड टू में जाएगा तो नए दोस्त भी आएंगे। सो ये वैसी सी फीलिंग आती है पवन के गाने और अरुणिता के गाने खत्म होने के बाद, क्योंकि
ये मालूम है कि इसका गाना खत्म हो रहा है, अरुणिता का गाना खत्म हो रहा है, लेकिन फिर इस बात की खुशी भी होती है कि अरे देखिए अब इनका डुएट आने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। फिर डुएट्स आते हैं, साहिबो, पहला नशा, अच्छा चलता हूँ और गाता रहे मेरा दिल। एंड फिर पवनदीप ने इस बार तबले को एक बार फिर से अपने डुएट के जरिए लोगों के सामने लाया है। मतलब घाटा मेला में भी देखा अरुणिता गा रही है, या फिर ऐसा होता है कि पवनदीप जो है वो जो किसी नजर को तेरा ये वाली गजल है वो गाते गाते परफॉर्म करते हैं और ये वाला तबला वादन का करते हैं। लेकिन इस बार अपनी आवाज मिला दो, तबला भी साथ में रखा, बहुत छोटे से टाइम के लिए रखा, लेकिन वो आपको इतनी बड़ी स्माइल देकर जाता है कि क्या कलाकार है यार, मजा आ जाता है। फिर रंगरेज ये गाने गाए और दानिश आए, अपनी कंप्लीट फुल मस्ती में आए, उनकी शेरो शायरिया, लोगों से कनेक्ट करना, उनका आफरीन या छैया छैया या फिर लगन लग गई और श्री गणेशा देवा, टोटली पैसा वसूल टाइप्स का था। अब इस पूरे दौरान में ये सब तो मैं एंजॉय कर ही रही थी, मेरी बार बार मेरा ध्यान और मेरी सारी नजर मुसर्रत जी पर जा रही थी। आई थिंक मुसर्रत जी ये दिन कभी 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 नहीं भूलेंगी। उनकी खुशी देखकर ना आपको खुशी होने लग जाती है। इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि यार मुझे फोटो मिलना चाहिए, मुझे सेल्फी लेने की इच्छा है। और ये बात ना सूरज जी और पवन दोनों ने उनकी ये मुराद जो है वो पूरी की है। तो मुसर्रत जी हम इतना खुश हैं आपके लिए, आपके लिए इतने सारे लोग दुआएं दे रहे थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। मैं चाहूंगी मुसर्रत जी कि आप जब भी पहली फुर्सत होती है हम आपस में बात करें ताकि आपकी फीलिंग मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। तो मेरे हिसाब से मुसर्रत जी आज तो उड़ रही होंगी तो उड़ने दीजिए हमारी तरफ से, और 2-3 घंटे और उड़िए, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत दिन है आपके लिए। उफ, चलिए कम से कम ये जो एक ब्रेक लग गया था कुछ दिनों का और ये लोग दो परफॉर्मेंसेस के बीच में इनका जो ब्रेक था फाइनली खत्म हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिन बन गया, सैटरडे सेलिब्रेट कर लिया मैंने। अब आपकी क्या सिचुएशन है, आपने सेलिब्रेट किया या नहीं किया, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।